वेलकम अंजुम्स किचन में वेलकम। आदाब दोस्तों, तो चलिए आज बनाते हैं बड़े मजेदार सा भेजिया फ्राई। सबसे पहले आपको बताएंगे कि भेजिए को साफ कैसे किया जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं साफ करना। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। यहाँ पे दोस्तों हमने 4 भेजे ले लिया है, गोट के भेजे हैं ये, बकरी के भेजे, और सबसे पहले इसकी सफाई करना है। तो चलिए सफाई करने के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम फर्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। तो ये भेजे हैं और यहाँ पर हमने ले लिया है ठंडा पानी। तो यहाँ पे ठंडा पानी ले लिया है और उसमें बर्फ भी हमने थोड़ा सा डाल दिया था, क्योंकि ये जो तरीका है ये हमारी अम्मी का बताया हुआ तरीका है। बहुत से लोग भेजे को उबाल लेते हैं, लेकिन देखिए जब कोई भी चीज़ उबलती है तो उसका जायका, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उसके विटामिन्स हैं, जो भी उसकी ताकत है, वो पानी में चली जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ठंडा पानी लेना है और ठंडे पानी में ये जो भेजा है इसे डाल देना है और छोड़ देना है कम से कम 10 मिनट के लिए। जब 10 मिनट हो जाएंगे तो हम आपको बताएंगे इसे साफ कैसे किया जाता है, इसकी जो नसें हैं, इसकी जो वेन्स हैं, उसे कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों भेजे को पानी में, ठंडे पानी में रखे हुए हो गए हैं 10 से 12 मिनट। आप पास वक्त है तो आप ज़्यादा भी इसे रख सकते हैं, और आप देखिएगा कि बहुत आसानी से ये जो वेंस है ना, ये देखिए कितनी आसानी से निकल जा रही है। आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये बहुत आसान तरीका है, और सारी वेंस जो है वो साफ़ हो जाती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, बहुत आसानी से सब निकल जाती है और ये बिल्कुल साफ़ हो गया है, एकदम नरम होता है, इसलिए आपको जहां जहां दिख रही है वेन्स उन्हें आप खींच लें। तो इसी तरीके से हमारे जो यहाँ पे चारों ब्रेन हैं हम उनको साफ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो चलिए जल्दी से इनको साफ कर लेते हैं हम और फिर आपसे मिलते हैं। लीजिए जनाब, भेजे अच्छे से साफ हो गए हैं, चलिए चलते हैं फ्राई पैन की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों हमने फ्राई पैन रख दिया है भेजा फ्राई करने के लिए, और हमारा जो फ्राई पैन है वो भी गर्म हो चुका है। इसमें अब डाल देंगे हम ऑयल। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं 4-5 टेबल स्पून के करीब ऑयल, क्योंकि भेजे को इसमें फ्राई होना है। अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि है 1 टेबल स्पून के करीब। फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे क्योंकि अभी इसमें मसाले इसमें डालना है। सबसे पहले इसमें डाल देंगे हम हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च अपने जायके के हिसाब से कितना तेज आपको रखना है हम 1.5 टीस्पून डाल रहे हैं, और साथ में इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून के करीब नमक, और साथ में डाल देंगे काली मिर्च। काली मिर्च डालना बहुत ज़रूरी है, 1 टीस्पून डाल रहे हैं ऊपर से और बाद में डालेंगे। ये सब चीज़ें डाल दिया हमने, थोड़ा एक दो हाथ चला लेंगे, सूखे मसाले हैं जल्दी फ्राई हो जाएंगे, वक्त नहीं लगेगा। बस अब जल्दी से इसमें डाल देंगे हम भेजा। अच्छा एक बात यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमने फ्लेम को बिल्कुल भी स्लो रखा है, इसमें करके डाल देंगे इसमें भेजे। जब थोड़े से पक जाएंगे उस वक्त इनके हम पीसेस करेंगे। फ्लेम को हाई कर देते हैं। और इसे अच्छे से अभी यहाँ पे फ्राई होने देते हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल सॉफ्ट है, एकदम नरम है। थोड़ा सा जब ये पक जाएंगे तो अपनी शक्ल ले लेंगे और थोड़ा सा हार्ड हो जाएंगे, तो इन्हें इन मसालों के साथ फ्राई होने दीजिए। यहाँ पे देखिए खूब अच्छे से जो भेजा है वो फ्राई हो रहा है, और हमने बिल्कुल स्लो आंच को रखा है एकदम सिम पे, और इसको कवर कर देंगे कुछ देर के लिए ताकि जल्दी से वो पक जाए। यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं भेजे को फ्राई होते हुए, तो चलिए देख लेते हैं क्या हाल है। और माशाल्लाह से इतनी प्यारी सी खुशबू आई मैंने खोला तो, जबकि कुछ भी ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डले हैं। ठीक है, थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ कर देते हैं, और इसमें जाएगा करी पत्ता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि करी पत्ता बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, और बहुत सारे फ़ायदे हैं, चाहे आपकी स्किन से ले लें, चाहे आपके बालों के लिए ले लें करी पत्ते के,
तो हम हमेशा करी पत्ते के साथ ही भेजे को फ्राई करते हैं और आंध्रा में यही तरीका है, इसीलिए बच्चों को करी पत्ते में फ्राई किया हुआ पसंद आता है। आप भी एक बार ज़रूर इस तरीके से फ्राई करके देखिए। इस वक्त थोड़ा सा फ्लेम को हमने तेज़ कर दिया है ताकि करी पत्ते के साथ फ्राई हो जाए। तो देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है भेजा और करिया पाक की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, क्योंकि बहुत छोटे से जानवर के भेजे था इसे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और इसीलिए साफ करते करते भी इसके पीसेस हो गए थे। बहुत ज़्यादा टुकड़े मत करिएगा कि बिल्कुल कीमा बन जाए, थोड़े बड़े बड़े पीसेस रहने दीजिए। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर करना है तो उस हिसाब से आप अपने बाइट साइज़ के हिसाब से, लुकमे के हिसाब से आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा भेजे को तोड़ लें। तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और ये बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे तैयार हो गया है ये सर्व करने के लिए। नमक रख लीजिए यहाँ पर और थोड़ा सा ऊपर से और करिया पाक डाल देते हैं इसमें ताकि और बेहतरीन वाली खुशबू आ जाए। और थोड़ा सा इसे जाएगा काली मिर्च, क्योंकि सारा कमाल काली मिर्च और करी पत्ते का ही होता है तो ये मज़ेदार लगता है। एक बार हिला देंगे इसे और बस कर देंगे सर्व। कितना आसान तरीका था ना, ज़रूर बनाइएगा, बहुत फ़ायदेमंद होती है सारी चीज़ें। कुदरत का यही करिश्मा है कि जो चीज़ अगर भेजा आप खाते हैं तो आपके भेजे को ताकत मिलती है, अगर आप पाए खाते हैं तो हड्डियों को ताकत मिलती है। तो ये सारी चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ज़रूर बनाइए। बिल्कुल आसान तरीके से आपको बनाना बताया है और इसकी तो गारंटी है, लाजवाब लगता है। ये रोटी से आज के साथ आप सर्व करिए, पराठे के साथ सर्व करिए, ये तैयार है। तो लीजिए दोस्तों, हमने यहाँ पे गैस को बंद कर दिया, खूब अच्छे से जो मसाला था उसमें जो भेजा है फ्राई हो चुका है और इतना लजीज लग रहा है कि हम आपको क्या बताएं। तो ज़रूर बनाइए और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी, आसान सी रेसिपी लेकिन बहुत ही ज़्यादा जायकेदार मज़ेदार कैसी लगी। आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। तो बस ये गर्मा गर्म भेजे को आप सर्व करिए पराठे के साथ, रोटी के साथ, या आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ये रोटी पराठा और तंदूरी रोटी के साथ ये गजब खाता है। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।